रेट किस तरह का बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आपको बता दें कुल मरीजों की जो संख्या है 1,22,267 पर ही हुई है। वही मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 1,291 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 1,03,827 लोग हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं, यानी कि हरियाणा में भी जो रिकवरी रेट है वो पहले से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा 1,291 पहुंच गया है। हरियाणा के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा में कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो क्या कुछ बनी हुई है, जिलों में किस तरीके का हाल है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पर कुल मरीजों की जो संख्या है 19,654 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 170 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक कितने लोग हुए हैं, 16,827 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। ये गुरुग्राम के ताजा आंकड़े हैं। फिलहाल गुरुग्राम की स्थिति पहले से बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो यहां पर कम दिखाई दे रहा है। 16,827 मरीज ही फिलहाल अभी तक रिकवर हुए हैं, ये गुरुग्राम के ताजा आंकड़े। गुरुग्राम में कोरोना की जो रफ्तार है उस पर फिलहाल ब्रेक नहीं लग रहा है। मौत का आंकड़ा 170 है, कुल मरीजों की संख्या में भी इजाफा। फरीदाबाद के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो कुल जो मरीजों की संख्या है वो बनी हुई है 19,123। मौत का आंकड़ा कह रहा है 213 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए, 17,491 जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। फरीदाबाद का ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे कि स्थिति कोरोना को लेकर फिलहाल क्या कुछ नजर आ रही है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। फरीदाबाद में 213 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत के आंकड़ों पर नजर डालते कुल मरीजों की जो संख्या यहां पर 7,831 है, लेकिन मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक कितने लोग हुए हैं, 7,024 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। ये सोनीपत के ताजा आंकड़े। सोनीपत में भी कहीं ना कहीं पहले से जो स्थिति है थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, चूंकि रिकवरी रेट यहां पर बढ़ा है। 7,024 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। अगर हम कुल मरीजों की संख्या देखें तो 7,831 बनी हुई है, मौत का आंकड़ा 44 है। ये सोनीपत के ताजा आंकड़े। अंबाला के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, अंबाला में स्थिति बनी हुई है, कुल मरीजों की जो संख्या है 7,649 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 86 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 6,495 लोग जो है वो फिलहाल कोरोना को मात दे चुके, यानी कि रिकवर हो चुके। ये अंबाला के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि अंबाला में स्थिति क्या वाकई पहले से बेहतर है। इसको अगर हम रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो अभी तक 6,495 लोग ही रिकवर हुए, यानी कि अंबाला में भी तेजी से जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन फिलहाल एक दो दिनों में इस आंकड़ों में थोड़ी सी कमी कहा जा सकता है कि दिखाई दे रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। 86 लोगों की फिलहाल अंबाला में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के ये ताजा आंकड़े, किस तरीके से जो रफ्तार है वो अंबाला में कोरोना की देखने को मिल रही है। तो कुल मरीजों की जो संख्या है 7,649 और उसमें जो रिकवर हुए हैं 6,495 मरीज ही, यानी कि अंबाला में एक दो दिनों में जो आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन रिकवरी रेट अभी भी जस का तस बना हुआ है। पानीपत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, स्थिति क्या कहती है पानीपत की। कुल मरीजों की जो संख्या है, टोटल केसेस है 7,124। मौत का आंकड़ा कह रहा है 67 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक हुए हैं 6,080 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। लेकिन देखिए पानीपत में 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा था, चूंकि हर दिन 2 से 4, 10, 15 जो केसेस हैं वो निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन फिलहाल कुल मरीजों की जो संख्या यहां पर बनी हुई है 7,000 के करीब। करनाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, 7,080 कुल मरीजों की संख्या है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 102 लोगों की मौत हो गई है। ठीक कितने लोग हुए, 5,873 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। देखिए करनाल की स्थिति अभी भी चिंताजनक है, यहां पर जो रिकवरी रेट है वो पहले से कम नजर आ रहा है। कुल मरीजों की जो संख्या है उस आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है कल की तुलना में, लेकिन मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा डराता है। 102 लोगों की फिलहाल करनाल में मौत हो चुकी है, यानी कि यहां पर भी कोरोना की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही हिसार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर 5,723 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 51 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 4,367 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। ये हिसार के ताजा आंकड़े हैं। हिसार में तेजी से जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब भी यहां पर रिकवरी रेट कम नजर आ रहा है। आप कुल मरीजों की संख्या देखिए और रिकवरी रेट देखिए। पंचकूला का आंकड़ा क्या कह रहा है, कुल मरीजों की जो संख्या है
5663 है। मौत का आंकड़ा क्या कहता है, 79 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही ठीक कितने लोग हुए, 4497 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। ये पंचकुला का ताजा आंकड़ा है। पंचकुला में स्थिति ये बनी हुई है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी पंचकुला की स्थिति को थोड़ा सा डराता है, क्योंकि रिकवरी रेट यहाँ पर भी पहले से बेहतर नहीं नजर आ रहा है। कुल मरीजों की संख्या में कल अगर हम देखें और आज की बात करें तो अपडेट जब निकलकर सामने आया तो मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 5663 लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित है, कुल मरीजों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। तो ये पंचकुला का ताजा आंकड़ा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोरोना की रफ्तार पर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लग रहा है। जो मौत का आंकड़ा है 79 पहुंच चुका है। रोहतक के आंकड़ों पर चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो रोहतक के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 5507 कुल मरीजों की संख्या है, मौत का आंकड़ा 58 हो चुका है, ठीक कितने लोग हुए हैं, 4708 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन रोहतक में हर दिन एक आंकड़ा निकलकर सामने आता है और वो स्थिति को गंभीर बनाता है, क्योंकि यहां पर भी जो रिकवरी रेट है वो पहले से बेहतर नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे कुल मरीजों की संख्या 5507, लेकिन रिकवर कितने लोग हुए, 4708, और मौत का आंकड़ा क्या है, 58 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि यहां पर भी रिकवरी रेट और भी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत नजर आ रही है। ये रोहतक का हम आपको ताजा आंकड़ा बता रहे कि रोहतक में स्थिति जो है वो क्या कुछ बनी हुई कोरोना को लेकर। रेवाड़ी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 5398 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 26 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 4809 लोग फिलहाल यहां पर रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके। रेवाड़ी में भी आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी इजाफा हुआ है, 26 पहुंच चुका है। यहां पर भी जो कोरोना की स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कुल मरीजों की संख्या आप देखिए 5398, मौत का आंकड़ा कह रहा है 26 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 4809 लोग जो है रेवाड़ी में रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से जंग जीत चुके हैं। लेकिन कोरोना से जंग हारे कितने लोग हैं, 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रेवाड़ी के ताजा आंकड़े कि रेवाड़ी में जो स्थिति है वो क्या कुछ बनी हुई है कोरोना को लेकर। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रेवाड़ी में भी पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हम देख पा रहे थे, लेकिन अभी एक बार फिर से स्थिति चिंताजनक है। कुरुक्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 5146 है, मौत का आंकड़ा 85 है, ठीक कितने लोग हुए हैं, 3766 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। ये कुरुक्षेत्र के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं। जो मौत का आंकड़ा है 85 है, ठीक कितने लोग हुए, 3766 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या देखिए आप 5146 है। कुरुक्षेत्र में आंकड़ों में इजाफा देखा हमने। यमुनानगर की स्थिति पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 3871 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 63 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 3218 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। सिरसा के आंकड़े क्या कहते हैं, कुल मरीजों की संख्या 3506, मौत का आंकड़ा 55 है, ठीक कितने लोग हुए, 2629 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। ये हम आपको सिरसा के आंकड़े बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ की स्थिति पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर 3260 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 7 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए हैं, 2712 लोग फिलहाल महेंद्रगढ़ में रिकवर हो चुके हैं। भिवानी के आंकड़े आप देखिए, कुल मरीजों की जो संख्या है 2630 है, लेकिन मौत का आंकड़ा कह रहा है 31 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 2309 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से जंग जीत चुके हैं। रिकवरी रेट भिवानी का थोड़ा सा बेहतर यहां पर नजर आया अगर हम पहले की तुलना में बात करें, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है 30 पहुंच गया है। ये भिवानी के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार भिवानी में क्या कह रही है। पलवल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पलवल में कुल मरीजों की जो संख्या है 2501 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 15 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 2412 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और रिकवरी रेट पलवल का पहले की तुलना में थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन झज्जर के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, कुल मरीजों की संख्या 2397 है और साथ ही मौत का आंकड़ा 21 है, ठीक हुए 2027 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। देखिए कल की तुलना में अगर हम बात करें तो आज अगर हम अपडेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी संख्या बढ़ी है। कैथल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या 2345 है, मौत का आंकड़ा 38 है, ठीक कितने लोग हुए, 1871 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। यहां
पर कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। 2345 कुल मरीजों की संख्या और ठीक देखिए कितने लोग हुए हैं, 1871 लोग ही फिलहाल रिकवर हुए हैं और जो मौत का आंकड़ा है 38 यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी कि यहाँ पर भी स्थिति चिंताजनक कोरोना को लेकर बनी हुई है। फतेहाबाद के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर कुल मरीजों की जो संख्या है 2182 है और मौत का आंकड़ा 30 है, ठीक कितने लोग हुए, 1817 लोग फिलहाल यहाँ पर रिकवर हो चुके। ये महेंद्रगढ़ का हम आपको ताजा आंकड़ा बता रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और साथ ही फतेहाबाद के आंकड़े जो हैं 2182 है और मौत का आंकड़ा क्या कहता है, 30 लोगों की मौत हुई है, ठीक कितने लोग हुए, 1817 लोग फिलहाल फतेहाबाद में ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट फतेहाबाद का अभी भी कम नजर आ रहा है, मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें इजाफा है लेकिन रिकवर जो लोग हो रहे वो कहीं ना कहीं कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है उस पर यहाँ पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जींद के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 2023 है, मौत का आंकड़ा 27 है, ठीक कितने लोग हुए, 1565 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं नूह के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 1086 है, मौत 21 लोगों की हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 978 लोग जो है फिलहाल रिकवर हो चुके हैं यानी कि ठीक हो चुके हैं। ये रिकवरी रेट है यहाँ का कि कितने लोग ठीक हुए हैं। चरखी दादरी की अगर हम बात करें, कुल मरीजों की संख्या 568 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 2 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 352 लोग जो हैं फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि प्रदेश में भी आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हरियाणा में 1,22,267 लोग यानी कि कुल मरीजों की संख्या है, मौत का आंकड़ा 1,291 पहुंच चुका है, रिकवर कितने लोग हुए, 1,03,827 लोग फिलहाल रिकवर हुए हैं, यानी कि कोरोना की संख्या मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा और प्रदेश में कोरोना के 1,689 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 1,22,667 पहुंच चुकी है, अब तक 1,291 मरीजों की मौत हो चुकी है और आंकड़ों में फिलहाल अभी तेजी से इजाफा ही देखने को मिल रहा है, 1,03,827 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। प्रदेश में अब 17,149 केस एक्टिव है, तो प्रदेश की स्थिति से हम आपको रूबरू करा रहे थे लेकिन अब देश में स्थिति क्या कुछ बनी है कोरोना को लेकर, क्या वाकई देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। भारत के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 59,90,581 कुल मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 94,534 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 49,38,688 लोग फिलहाल भारत में रिकवर हो चुके हैं। देखिए भारत का जो रिकवरी रेट है वो और देशों की तुलना में बहुत बेहतर है लेकिन रफ्तार जो है कोरोना मरीजों की वो भारत में तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब भारत ने वो जो रफ्तार है वो पकड़ ली है और ब्राजील को भी पछाड़ दिया लेकिन रिकवरी रेट में भारत सबसे पहले है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें 49,38,688 भारत में लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं लेकिन कुल मरीजों की जो संख्या है उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि महाराष्ट्र के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कुल मरीजों की संख्या 13,21,176 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 35,191 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 10,16,450 लोग फिलहाल महाराष्ट्र में रिकवर हो चुके। काफी तेजी से महाराष्ट्र में जो कोरोना मरीजों की संख्या उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और देखिए अभी भी जो स्थिति है महाराष्ट्र की वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है और यही वजह है कि आंकड़ों में इजाफा है। आंध्र प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, अब कुल मरीजों की संख्या जो है 6,68,751 है, मौत का आंकड़ा 5,663 है और ठीक कितने लोग हुए, 6,68,751 लोग जो हैं फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये आंध्र प्रदेश के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, कोरोना कितना इफेक्ट कर रहा है लोगों को, किस तरीके से जो रफ्तार है वो पकड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं, 6,68,751 लोग ठीक हुए पहले की तुलना में। आंध्र प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तमिलनाडु के आंकड़ों पर नजर डाले थे, कुल जो मरीजों की यहाँ पर संख्या बनी हुई है 5,75,017 यहाँ पर कुल मरीजों की संख्या है,
मौत का आंकड़ा कह रहा है 9,233 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 5,19,448 लोग फिलहाल यहां पर रिकवर हो चुके। कर्नाटक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 5,66,023 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 8,503 लोगों की मौत हुई है। ठीक कितने लोग हुए, 4,55,719 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके। उत्तर प्रदेश यूपी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, स्थिति क्या कह रही है, कुल मरीजों की संख्या 3,82,835 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 5,517 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 3,20,232 लोग उत्तर प्रदेश में ठीक हुए। दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, एक बार फिर से दिल्ली की स्थिति जो है गंभीर नजर आ रही है। कुल मरीजों की संख्या 2,67,822 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 5,193 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ठीक कितने लोग हुए, यहां पर 2,32,912 लोग फिलहाल दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालें, कुल मरीजों की जो संख्या है 2,44,240 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 4,721 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ठीक कितने लोग हुए, यहां पर 2,13,975 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। बिहार के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, कुल मरीजों की जो संख्या है 1,77,355 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 886 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 1,63,132 लोग बिहार में रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 1,26,775 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 1,426 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 1,05,954 लोग जो है फिलहाल ठीक हो चुके हैं। और पंजाब के आंकड़े देखिए आप, कुल मरीजों की संख्या 1,08,684 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 3,188 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 86,013 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये पंजाब के आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, कुल मरीजों की संख्या 13,996 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 159 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक हुए हैं 9,710 लोग ही। रिकवरी रेट यहां पर बेहतर नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, कुल मरीजों की जो संख्या है वो 11,380 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 145 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 8,937 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। यानी कि देश में भी जो आंकड़े हैं उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, और तेजी से कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कोरोना से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश में 24 घंटे में 88,759 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा 59,90,581 पहुंच गया। अब तक 94,534 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में। 49,38,688 मरीज रिकवर हुए हैं। यानी कि देश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं स्थिति को भयावह बनाता है। तो देश और प्रदेश के आंकड़ों पर हमने नजर डाली, आपको दुनिया के आंकड़ों से भी रूबरू